हमारे अजमेर दक्षिण के महिला मोर्चा द्वारा, अजमेर शहर का जो महिला मोर्चा है उसमें अजमेर दक्षिण की जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा 11 तारीख रविवार को एक मानसून फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये मानसून फेस्ट 2 साल पूर्व भी उनके द्वारा आयोजित हुआ था। महिला शक्ति द्वारा ही ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। समस्त स्टॉल्स जो लगाई जा रही हैं वो महिला शक्ति द्वारा लगाई जा रही हैं, साथ ही महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कुर्सी रेस रखी गई है, बच्चों के लिए कुर्सी रेस का आयोजन है, उसमें पुरस्कार दिए जाएंगे। एक लहरिया फैशन शो का भी आयोजन किया गया है इस मानसून फेस्ट में। लहरिया फैशन शो में भाग लेने वाले जितने प्रतिभागी हैं उनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कार दिए जाएंगे। फर्स्ट पुरस्कार 40 इंच का LCD एंड्रॉयड TV है, सेकंड पुरस्कार वॉशिंग मशीन है और थर्ड पुरस्कार मिक्सर ग्राइंडर है। साथ में 2 कॉन्सोलेशन पुरस्कार, उनमें ब्लाइंडर और आयरन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 10 और पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें बहुत अच्छी लहरिया की साड़ीज हैं वो, और उनको हम फैशन शो में जो प्रतिभागी होंगी, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो 10th और होंगी महिलाएं, उनको ऐसे करके हम 15 महिलाओं को इस फैशन शो में पुरस्कृत करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स होंगी, गेम्स होंगे जिसमें रिंग गेम है, एक साथ सारे ग्लास गिराने वाला गेम है, झूले हैं, बहुत सारी स्टॉल्स हैं, वॉल पेंटिंग बनाने वाली आर्टिस्ट वहाँ पर है। इसके साथ में हाथ पर मेहंदी के माध्यम से हमारे जितने भी महापुराण हैं, जितने भी उपनिषद है, महाभारत है, महाकाव्य है, उनको चित्रांकित करने वाली दीक्षा भी वहाँ पर होंगी। तो इस तरह से अजमेर की जो सेलिब्रिटीज़ कहलाती हैं वो महिलाएं इस मेले में भाग लेने वाली हैं। और बहुत सारे इसके अतिरिक्त भी कुर्सी रेस में के 10 राउंड होंगे, कुर्सी रेस के पुरस्कार हैं। हाउजी भी खिलाई जाएगी, हाउजी में भी पुरस्कार हैं। स्टेशन गेम है, स्टेशन गेम में अलग से पुरस्कार है। तो अलग अलग तरह, क्योंकि महिलाओं को खेलने का मौका नहीं मिलता जनरली, जो मेले आयोजित होते हैं उसमें खेल नहीं होता है ना। तो ये मेला एक ऐसी जगह आयोजित हो रहा है जो एक तो 4 दीवारी में है, बाउंड्री में है, सुरक्षित है महिलाएं, और सिर्फ महिला शक्ति वहाँ है। हमने पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था की है, झूले वहाँ लगाए गए हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से झूलों की सारी टेस्टिंग कराई है, उसके बाद उनकी अनुमति ली है ये बाकायदा, उसके बाद में झूले वहाँ लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ठीक प्रकार से उनको लगाया गया है ताकि महिला अधिक आनंद और इन्जॉय के साथ पार्टिसिपेट कर सके। और इससे हम जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक सरोकारों के काम करती है, वो सामाजिक सरोकारों के कार्य इससे किए जाएंगे और चैरिटी इससे होगी ताकि हम आने वाले समय में और अच्छे से जन सेवा का काम कर सकें। एंट्री का क्या रहेगा? देखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है, मेले में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन यदि आप चेयर रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से एक अमाउंट तय है। उसी प्रकार से आप यदि लहरिया के फैशन शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक निश्चित अमाउंट है। उस निश्चित अमाउंट को वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, उस रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर के वो अपने लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि मुझे लहरिया में भाग लेना है। तो मेले में एंट्री बिल्कुल फ्री है, बाकी अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग कूपन सिस्टम वहाँ पर रखे हैं। जिनके पास कूपन नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पर हमने 2 काउंटर कूपन के लिए भी लगाए हैं अलग से। वो 2 काउंटर पर हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, वो कूपन देते रहेंगे, तो वहाँ से भी वो कूपन प्राप्त कर सकती हैं यदि उनके पास कूपन नहीं है तो। लेकिन ये बहुत ही भव्य और महिलाओं द्वारा आयोजित एक अलग प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है। वेन्यू क्या है और टाइमिंग क्या रहेगा इसका? टाइमिंग 2 बजे से, वेन्यू मैंने जैसे पहले बताया 11 तारीख है, संडे है, और वेन्यू DAV कॉलेज का जो खेल ग्राउंड है वो है। समय 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक है, क्योंकि रात्रि 10 बजे बाद माइक की अनुमति नहीं होती है, इसलिए रात्रि 10 बजे तक है। इसमें एक अंधेरा होने पर थोड़ा सा बहुत भव्य आतिशबाजी भी इसमें की जाएगी। हमारे गोवर्धन जी द्वारा आतिशबाजी का प्रस्ताव उन्होंने मुझे दिया था, तो हमने उसको स्वीकृति दी है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से आकर्षक बनाने के लिए ये कार्यक्रम के खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल्स हैं, है ना, छोला भटूरा है, पाव भाजी है, चाउमीन है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है,
और वो इडली सांभर है, बहुत प्रकार की, कम से कम 40 प्रकार के स्टॉल्स हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आर्टिस्ट ने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने भी स्टॉल्स लगाए हैं। कुछ राखी की परचेजिंग यदि कुछ महिलाएं करना चाहती हैं तो उस दृष्टि से भी चूड़े के स्टॉल्स वहाँ लगी है, राखी के स्टॉल वहाँ लगी है, बेडशीट्स की स्टॉल्स वहाँ लगी है, साड़ीज़ की स्टॉल्स वहाँ लगी है। लहरिया, चूँकि सावन चल रहा है, सावन भादवे में जनरली महिलाएँ लहरिया ही पहनना पसंद करती हैं, तो वो हमारी बहनों द्वारा बहुत ही अच्छे कॉस्ट में वहाँ पर वो चीज़ों को अवेलेबल कराया गया है। हैंडबैग्स की स्टॉल्स एक लगी है, तो इस तरह से वहाँ ऊँट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी है, गुड़िया के बाल हैं, पॉपकॉर्न है, तो बहुत जो भी एक मेले को बना को भव्य बनाता है, वो मेले की भव्यता को दृष्टि के रखते हुए वो सारी स्टॉल्स वहाँ लगाई गई। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.